ये जैसे गवर्नमेंट के आदेश हैं, जिस तरह से जहाँ जहाँ भी बड़े चंक्स लैंड के हैं पहले उनको हटा दिया जाए, तो उसी कड़ी में आज जो है यहाँ चक्खड़ विलेज में 76 कनाल का पैच जो है आइडेंटिफाई किया गया था, जहाँ पे इसको रिमूव किया गया, इविक्ट कर दिया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ क्रॉप लगाई हुई है, यहाँ इवन घर भी बने हुए हैं, तो उनको सबको हटा दिया गया। लेकिन घरों को अभी हमने नहीं, पहले निश्चित में जो है अभी हमने घरों को नहीं छेड़ा, लेकिन जो 76 कनाल ज़मीन है उसको इविक्ट कर दिया गया। और उसको हमारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जो जो मांग कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमारे पास लैंड जो है अलाटमेंट के लिए अप्रोच करते हैं, तो उनको ये अलाट कर दी जाएगी और यहाँ कोई भी गवर्नमेंट का दफ्तर जो है बन सकता है। सर, क्या पहले का इनको सूचित किया गया था, अभी तुरंत यहाँ पे कार्रवाई की? देखिए, ये तो सूचित तो पहले ही गवर्नमेंट ने कर दिया है, ये तो पिछले एक महीने से लगातार जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ ये सबको पता है कि जहाँ भी स्टेट लैंड है वहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाई जाएगी। अगर हम इनको नोटिस देंगे पहले, तो फिर तो हम इंक्रोचमेंट पे हटाने के पॉसिबल नहीं होगा। ये भी कहा गया था कि जो गरीब लोग हैं उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा और रसूखदार जो है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, देखा जा रहा है, जैसे गवर्नमेंट ने कहा है उसी पे काम कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह से गवर्नमेंट के आदेश है उसी पे काम किया जा रहा है।